पूरे देश में जिन छह वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रवाना करेंगे, उसमें से एक वंदे भारत ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नई दिल्ली मार्ग को समर्पित है। जम्मू कश्मीर के लिए यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात है और मुझे लगता है कि इस यूनियन टेरिटरी को भारत वर्ष का विकास इंजन बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता का भी एक उदाहरण है। मैं समझता हूं किसी भी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने तथा समन्वित विकास में नई गति प्रदान करता है। अगस्त 2019 के पश्चात कनेक्टिविटी की सुविधाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों के बीच भौतिक दूरी काफी कम हुई है। अक्टूबर 2019 में कटरा और दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ हुई थी। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए वो एक विशेष और अनुपम उपहार था। इस वर्ष अभी तक लगभग 94 लाख श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से माता के दर्शन के लिए आ चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि 31 दिसंबर को जब 2023 का वर्ष समाप्त होगा तो 95 लाख का आंकड़ा हम पार कर जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में यह अधिकतम यात्रियों की संख्या है। मुझे लगता है कि इससे सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था ही मजबूत नहीं हुई है बल्कि जम्मू संभाग के विभिन्न पर्यटक स्थलों को उमड़ रही भीड़ ने उन जगहों की सालों से दबी आकांक्षा को पूरा करने का भी काम किया है। जम्मू तथा श्रीनगर दोनों एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स की मंजूरी दे दी गई है। शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी के ढांचे में भी आमूलचूल बदलाव किया जा रहा है। एक समय था जब जम्मू से श्रीनगर जाने में 11 घंटे का समय लगता था, अब 5 घंटे में लोग आराम से पहुंच जा रहे हैं। वर्तमान समय में सिर्फ रेलवे 41,119 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर यहां काम कर रही है। चालू वित्त वर्ष में 6,003 करोड़ रुपए रेलवे ने जम्मू कश्मीर की विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित किया है। जम्मू तवी बटगांव तथा शहीद तुषार महाजन स्टेशन उधमपुर का अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अपग्रेडेशन किया गया है और मुझे बताया गया है कि सभी स्टेशनों पर काम तेज गति से चल रहा है। जम्मू संभाग के अन्य कई स्टेशन जैसे सांबा, कठुआ, मनवाल, संगढ़ पर भी अपग्रेडेशन का काम रेलवे कर रही है ताकि स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। इसी वर्ष अक्टूबर में बटगांव से बनिहाल के बीच स्टेट ऑफ द विस्टो डाम कोच की शुरुआत की गई। कश्मीर घाटी के लिए 4 नई रेलवे लाइन अवंतीपुरा सोपिया, सोपोर कुपवाड़ा, अनंतनाग पहलगांव तथा बारामूला उरी के फाइनल लोकेशन सर्वे का काम भी रेलवे कर रही है। इसके अलावा बारामूला बनिहाल सेक्शन के डबलिंग प्रोजेक्ट के लिए फील्ड तथा ड्रोन सर्वे का काम भी रेलवे ने पूरा कर लिया है। आप सब जानते हैं कि आने वाले वर्ष में कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे से जुड़ जाएगा। ये एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार केवल जम्मू कश्मीर नहीं पूरा देश कर रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में शीघ्र ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को यात्रियों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को समर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे में आई नई गति ने ईज ऑफ ट्रेवल, आम नागरिकों के जीवन यापन, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित की है। मैं मानता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज पूरा देश ऐसे जम्मू कश्मीर की तस्वीर देख रहा है जो तीव्र गति से संपन्नता और समावेशी विकास की नई सीढ़ियां चल रहा है और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके नागरिकों की उम्मीदों को साकार भी कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में
बड़ी सफलताएं नित नई उपलब्धियों के साथ विकसित भारत यात्रा के संकल्प में भी युवा महिला किसान और गरीब को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार के साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में नए संकल्प के साथ प्रशासन काम कर रहा है।